नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, यानी कोई वस्तु कितनी भी लाभदायक फ़ायदेमंद क्यों ना हो, अगर हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो एक वक्त के बाद वो नुकसानदायक साबित होने लगती है। ऐसे ही खेती किसानी में भी हमारे कई किसान भाई जानकारी नहीं होने की वजह से रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल खेतों में कर रहे हैं। इससे भले ही उन्हें थोड़ा फायदा मिल जाता हो, लेकिन इसके दूरगामी नतीजे बहुत नुकसानदायक साबित होते हैं। हमारी मिट्टी के पोषक तत्व इन्हीं रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से खत्म होते जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण और हमारे शरीर को भी नुकसान पहुँच रहा है। ऐसे में ज़रूरत है संभलने की, जी हाँ, और हमें जैविक खेती की तरफ जाना ही होगा। इसके लिए अगर हम जैविक खाद का इस्तेमाल करें तो हम पर्यावरण और अपने शरीर दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई, आप जैविक खाद की तारीफ तो करते हैं, लेकिन हम ये लाए कहाँ से? तो चिंता की कोई बात नहीं, आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आप जैविक खाद कैसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा बात होगी अमरूद की सघन बागवानी की भी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, लेकिन सबसे पहले आप जानिए खबरें खेती की और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती के में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। पशु स्वास्थ्य की रक्षा बहुत जरूरी, करें नए बाग लगाने की तैयारी, कपास की खेती, पशुओं में अच्छे प्रजनन के लिए सलाह, कृषि सलाह। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पशुधन के लिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिसका लाभ किसानों को हो रहा है। उन्होंने कहा, पशुओं का स्वास्थ्य किसान हित से जुड़ा है, अगर पशु स्वस्थ होंगे तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस दिशा में सरकार की पहल का नतीजा है कि देश दूध उत्पादन में नंबर वन पर बना हुआ है और अंडा उत्पादन पर तीसरे स्थान पर आ पहुंचा। कृषि मंत्री ने यह बात भुवनेश्वर के अरुगुल जटनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय खुरपका एवं मुंहपका रोग केंद्र इंटरनेशनल सेंटर फॉर FMD के उद्घाटन के मौके पर कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सरकार खुरपका एवं मुंहपका रोग के रोकथाम का पूरा प्रयास कर रही है। पशुओं के स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका एवं मुंहपका रोग के लिए बेहतर प्रबंधन अपनाकर वर्ष 2013 की तुलना में 2015 में 377 प्रकोपों से घटाकर 109 पर ला दिया है। नए फलोद्यान लगाने के लिए समय सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय फलों के पौधे लगाने के लिए जो गड्ढे तैयार किए गए हैं, उनमें बारिश शुरू होते ही पौधे लगा सकते हैं। इसके लिए गड्ढों में 20 किलो गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद, 2 किलो नीम की खली, 1 किलो हड्डी का चूरा और 20 ग्राम थीमेट से प्रति गड्ढे भर दें और वर्षा शुरू होते ही फल वृक्षों के पौधे जैसे आम, अमरूद, जामुन, चीकू, संतरा, अनार, केला, पपीता, कटहल, नींबू आदि लगाएं। अगर समय से वर्षा नहीं होती है तो या कम वर्षा होती है तो सिंचाई की व्यवस्था करें। किसान भाइयों, कपास की खेती अब पूरे जोरों पर है। इस समय खेत का पलेवा करके खेत के अच्छे से जुताई करें और समय पर आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खाद व बीज की व्यवस्था पहले से कर लें। अगर किसी किसान भाई के पास बीज रखा है तो उसको बुआई से पहले अंकुरण प्रतिशत जरूर जांच लें। बीज को खरीदते समय ध्यान रखें कि जो बीज आप बुआई के लिए खरीद रहे हैं वो उस क्षेत्र में अच्छा उत्पादन दे सके। बीज को खरीदते समय पक्का बिल अवश्य लें और बीज के बिल के ऊपर लोट नंबर और बेच नंबर लिखवाएँ और खाली थैलियों को भी संभाल कर रखें। अच्छे पशु और अच्छा दूध उत्पादन तभी हो सकता है जब आप अच्छे पशु से सही ढंग से सही नस्ल से पशु को गर्भित कराएं। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान में रखें। नंबर एक, पशु के खान पान का सही ध्यान रखें। दो, पशुओं के तरुणावस्था की उम्र के बजाय उसके तरुणावस्था के भार पर ध्यान दें। नंबर तीन, पशु को ब्याने के 40-60 दिन के अंतर पर गाभिन कराएँ। चार, समय समय पर पशु के गर्भाधारण की जाँच कराएँ। पाँच, मदकाल की पहचान कर मदकाल शुरू होने के 12 घंटे के बाद पशु को गर्भित कराना। छः, गाय से प्रति वर्ष व भैंस से 13 से 14 महीने में एक बच्चा लेवें। सात, प्रत्येक पशु का प्रजनन संबंधित रिकॉर्ड रखें। आठ, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षित व्यक्ति से ही कराएं। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, बरबटी, मिर्ची एवं बैंगन की फसल में कीट व्याधियों का निरीक्षण करते रहें एवं आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीट एवं कवक नाशकों का प्रयोग करें। आम एवं फलदार वृक्षों में फल की अवस्था में रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। इसके रोकथाम हेतु सर्वांगीण कीटनाशक जैसे रोगोर, मेटासिस्टोक्स 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव खुले मौसम में करें।
तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में बस इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आइए सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार हैं। बड़नगर में न्यूनतम भाव 2842 रुपए रहा, अधिकतम भाव 3696 रुपए रहा। उदयपुरा में न्यूनतम भाव 2200 रुपए रहा, अधिकतम भाव 2200 रुपए रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 2373 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 2750 रुपए रहा। खातेगांव में न्यूनतम भाव 2000 रहा, वहीं अधिकतम भाव 2840 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं अरहर की। बीकन गांव में अरहर का न्यूनतम भाव 3400 रहा, अधिकतम भाव 3728 रुपए रहा। शेरपुर कला में न्यूनतम भाव 2535 रुपए रहा, अधिकतम भाव 2963 रुपए रहा। खातेगांव में न्यूनतम भाव 3390 रहा, अधिकतम भाव 3722 रुपए रहा। इटारसी में न्यूनतम भाव 3165 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 4299 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं मसूर की। बड़नगर में मसूर का न्यूनतम भाव 2710 रुपए रहा, अधिकतम भाव 3900 रुपए रहा। बिछिया में न्यूनतम भाव 3600 रुपए रहा, वहीं अधिकतम भाव 3600 रुपए रहा। मंडला में न्यूनतम भाव 3600 रहा, अधिकतम भाव 3650 रुपए रहा। सतना में न्यूनतम भाव 3001 रहा, वहीं अधिकतम भाव 3875 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान। प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल से 2 मई तक ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगे कृषि क्रांति रथ। किसानों से जुड़े सभी विभागों की होगी भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। ग्राम संसद के तीसरे दिन होगी खास किसानों से उनके कल्याण और कृषि विकास की बात। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की बनेगी कार्य योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के लाभ और तरीकों की जानकारी, कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। तो फिर सोचना क्या, जब पहुँचे अपने गाँव कृषि रथ, मिलजुल कर सब करें स्वागत। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। तो भाइयों, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों से जैविक व्यवस्था खत्म होती जा रही है, इससे भूमि और जल प्रदूषण हो रहा है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो चुका है कि हमारे खेतों में ही जो जैविक साधन उपलब्ध हो जाते हैं बड़ी आसानी से, उनसे हम जैविक खाद तैयार करें और अपने अनाज फल सब्जियों को विषमुक्त करें। तो आज हम आपको बताते हैं कि आप भी कैसे जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SRS रघुवंशी, जो कि गंज बासौदा में कृषि वैज्ञानिक के तौर पर पदस्थ हैं। जैविक खादों में पहला जो हमारा खाद है वो केंचुआ खाद, दूसरा हमारा फास्फो कंपोस्ट और तीसरा हमारा रहेगा इनरिच कंपोस्ट। मतलब हम जो कंपोस्ट खाद, कोई भी कचरी खाद बनाएं उसको बहुमूल्य कैसे बनाएं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन जो बात करते हैं केंचुआ खाद की, और केंचुआ खाद एक अपने आप में संपूर्ण खाद है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि केंचुआ खाद क्या होती है। तो केंचुआ द्वारा खाए गए अवशिष्ट पदार्थों को
अपने पाचन तंत्र से निकालने के बाद जो तत्वों से भरपूर हल्का भुरभुरा चाय पत्ती के समान पदार्थ प्राप्त होता है वह केंचुआ खाद कहलाता है। अब जो केंचुआ खाद होता है इसमें मुख्य पोषक तत्व नत्रजन, स्फोर, पोटास के अलावा अन्य सभी सूक्ष्म तत्व भी इसमें होते हैं। साथ साथ में इसमें बहुत से एंजाइम्स भी होते हैं और हार्मोन्स भी होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए अच्छा अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि केंचुआ खाद जो रहता है इसके लिए हम कैसे बनाएं। तो केंचुआ खाद बनाने के लिए किसान भाइयों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जहाँ पर हमारे घर के पीछे जो छोटा सा जगह होती है, खेत खलिहान होते हैं, वहाँ पर हम खुली जगह में 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और हम ये स्थान बना सकते हैं। उसमें ये स्थान जो है वो छायादार होना चाहिए, जहाँ पर ज़्यादा तेज़ धूप नहीं आए और हल्का सा अंधेरा रहे। ये हमारा बिल्कुल सामान्य बगैर खर्चे का स्थान रहता है। साथ साथ में हम देखते हैं कि केंचुआ खाद बनाने के लिए हमारे कृषि विभाग के द्वारा या उद्यान विभाग के द्वारा बर्मी कंपोस्ट पिट नाम से कुछ योजनाएं चलती हैं। तो उसके लिए मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा आप लोगों से कि चतुर्कक्षीय 4-chambered बर्मी कंपोस्ट पिट बनाएं। इसके लिए 4 कक्ष होते हैं। यदि हमारे पास एक कक्ष में हम कोई कच्चा पदार्थ डाल रहे हैं तो उसको बढ़ते जाएँ, उसमें कच्चा पदार्थ हमारे जैसे सब्जियों, सड़ी गली सब्जियाँ, पत्ते, गोबर, कचरा हम उसमें डालते जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि जब वो पूरा भर जाता है तो उसमें हम यदि हमारे पास 10 क्विंटल सामग्री है तो उसमें 1 किलो केंचुए छोड़ देते हैं। करीब 2 महीने का समय हो जाता है, उस समय तक तो इसमें केंचुए हमारा खाद बनाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि 2 महीने पूरे हुए और हल्का आटा से हमने देखा कि पूरा ऊपर तक का उन्होंने कच्चा पदार्थ खा लिया है, नीचे देखा तो भुरभुरा पदार्थ बन चुका है, तो हम इस कक्ष में पहले वाले कक्ष में नमी प्रदान करना बंद कर देंगे, दूसरे कक्ष में हम पानी देना शुरू कर देंगे। जब केंचुए देखते हैं कि इधर नमी कम हो रही है तो यहाँ से केंचुए अपने आप दूसरे कक्ष में पहुँच जाएंगे। फिर हम पहले कक्ष की जो खाद है उसको हम छान लेंगे, उससे जो केंचुए, बहुत से केंचुए तो अपने आप चले जाते हैं आगे वाले कक्ष में, लेकिन कुछ केंचुए बचते हैं, उनके अंडे वगैरह बचते हैं, कुछ कच्चा पदार्थ बचता है, उसको हम दूसरे कक्ष में डाल देते हैं। जो हमारी कक्ष की पहली कक्ष की जो केंचुए खाद आई उसका हम फसलों में, सब्जियों में, फूलों में उपयोग कर सकते हैं। तो इस वाले विधि में किसान भाई जो खाद बनाते हैं तो उनको जो हमारी मजदूर की लागत रहती है वो कम हो जाती है, केंचुआ अपने आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छी उपयोगी विधि है चतुर्कक्षीय केंचुए खाद बनाने की इकाई। इसके लिए हमारी जो केंचुए की प्रजाति होती है वो सामान्य जो प्रजाति है वो है एसियनिया फोटेडा। ये केंचुए की प्रजाति जो है वो ऊपर नीचे अपने आप उसमें कक्ष में जाती रहती है, वो कच्चे पदार्थ को खा के खाद बनाती जाती है। तो ये वाली जो प्रजाति है ना इसका हम उपयोग करें और केंचुए खाद बनाएं। अब केंचुए खाद का जो बनाने की जो गड्ढा बनने की विधि है हमारी, एक कक्ष है उसको हम कैसे भरेंगे इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए कि सबसे पहले हम जो कच्चा पदार्थ है हमारा या गोबर है हमारी उसको हम नीचे 8-10 इंच मोटी परत डालेंगे इसमें। उसके बाद क्या करेंगे, फिर हम अपनी सब्जियों के छिलके जो कुछ भी पदार्थ है हम उसमें डालते जाएंगे और फिर हम कुछ उसमें हल्का सा गोबर मिक्स कर देंगे, फिर इसको बढ़िया ऊपर से ढक देंगे। ढकने के बाद उसके ऊपर बोरी का फट्टा डाल देंगे और छोड़ देंगे इसको। हम देखेंगे कि 50 से 60 दिन में हमारी गोबर केंचुए खाद बन के तैयार हो जाती है। ये सबसे बिल्कुल सामान्य विधि है और इसमें कहीं पर भी कोई कच्चा पदार्थ नहीं बचता। अब जब कच्चा पदार्थ नहीं रहेगा तो जो हम इस खेत में डालेंगे तो उससे क्या रहेगा, हमारे सूक्ष्म जीवों के लिए अच्छे भोजन का काम करेगा। साथ में कच्चा पदार्थ नहीं रहेगा तो हमारे खेत में दीमक की समस्या नहीं आएगी, खेत में जलधारण क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये हमारी केंचो खाद बनाने की विधि और इसका क्या फ़ायदा रहा हो रहा। अब आगे हम देखते हैं कि केंचो खाद का उपयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो किसान भाइयों, केंचुए के खाद का उपयोग करने से सबसे बड़ा फायदा हमारा ये है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे ज़्यादा इससे बढ़ती है, मिट्टी की भौतिक दशा अच्छी हो जाती है, उसमें छिद्रों की संख्या बढ़ जाती है, मिट्टी में जैविक क्रियाएं बढ़ जाती हैं जिससे कि सूक्ष्म तत्व जो है, सूक्ष्म जीव जो हैं अपनी संख्या बढ़ाते हैं और मिट्टी में सभी जो रासायनिक क्रियाएँ वो भी सामान्य दशा में आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो केंचुए खाद का हम बनाते हैं उस टाइम सावधानी क्या रखें।
केंचुओं का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है चींटियाँ, क्योंकि चींटियाँ केंचुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। यदि हमारी चतुर्कक्षी हमने इकाई बनाई हुई है तो उसके ऊपर हम हल्का सा एक घेरा बना दें छोटा सा, और उसमें हम पानी भर दें, जिससे क्या रहेगा कि चींटियाँ अंदर उसमें कक्ष में नहीं पहुँच पाएंगी और केंचुआ हमारी सामान्य गतिविधि करते रहेंगे। यदि हम शुरू में 1 किलो केंचुआ डाले हैं तो जब हमारे 2-2.5 महीने में केंचुआ खाद बनकर तैयार होती है उस टाइम तक उनकी संख्या भी दुगनी हो जाती है। तो केंचुओं के लिए जो सावधानी रख रही कि चींटियों से बचाएं, साथ में केंचुओं के लिए अंधेरा पसंद रहता है तो ज़्यादा जो उजालेदार स्थान है तो उस पर हम बोरी का फट्टा डाल दें, उससे अंधेरा बना रहेगा और उसमें हवा का आवागमन अच्छा रहे, ये हम विशेष ध्यान रखें। तो ये इस प्रकार से हम केंचुए खाद बना सकते हैं। अब दूसरी हमारी आती है फास्फो कम्पोस्ट। जैसा कि ये नाम से ही विदित है कि इसमें फास्फोरस की मात्रा सामान्य खादों से 3 से 7 गुना ज़्यादा रहती है। यदि हमारी सामान्य गोबर की खाद या केंचुए खाद है इसमें हमारी फास्फोरस की मात्रा 1% तक भी रहती है यदि, तो इसमें यदि हम फास्फो कम्पोस्ट का बनाएंगे तो उसमें हमारी 3 से लेकर 5% तक फास्फोरस की मात्रा पहुँच जाएगी। इसके लिए हमको ज़्यादा कोई विशेष अलग से वो काम नहीं करना, सिर्फ 10 क्विंटल कच्चा पदार्थ रहेगा हमारा, तो उसमें से हम 800 किलोग्राम तो कच्चा पदार्थ ले लेंगे, उसमें पत्तियाँ सड़े गले पदार्थ गोबर सभी मिक्स मतलब, और 100 किलोग्राम लेंगे हम उसमें गोबर की खाद, 50 किलोग्राम लेंगे मिट्टी, इसको हम बढ़िया मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको गड्ढे में भर देंगे। इसके लिए गड्ढा हम लेंगे 1 मीटर गहरा 2 मीटर लंबा, और इसको भर के ले आएंगे और ऊपर तक करीब ज़मीन से 30 सेंटीमीटर ऊपर भर के इसको ऊपर से बंद करके रख देंगे। करीब 2-2.5 महीने बाद देखेंगे कि हमारा फास्फो कम्पोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें जब फास्फो कम्पोस्ट बनाएंगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमको कि रॉक फास्फेट करीब 12.5 किलोग्राम और यूरिया 2.5 किलोग्राम इसमें हम मिक्स करेंगे। तो इससे क्या रहेगा हमारा जो रॉक फास्फेट है ना इससे इसमें घुल के और हमारा फास्फो कम्पोस्ट बन जाएगा। तो किसान भाइयों अपनी केंचुए खाद और फास्फो कम्पोस्ट बनाकर उपयोग करें और किसी में मिट्टी के स्वास्थ्य को अच्छा रखें। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य, इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। किसानों के हित में बड़ा कदम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक उपज, सिंचाई के सही तरीकों और जल संरक्षण की नई तकनीकों के साथ बढ़ेगा जमीन का जल स्तर, जिला स्तर पर होंगी सिंचाई योजनाएं, असिंचित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाकर बढ़ेगा उत्पादन, भारत सरकार की विशाल योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मित्रों अब बात गरीबों के सेब यानी अमरूद की। अमरूद का नाम सुनते ही आप भी बचपन की यादों में खो गए होंगे, जब आपने भी पेड़ पर चढ़कर कच्चे पक्के अमरूद तोड़े होंगे।
भाई इसका स्वाद ही इतना लाजवाब होता है और ये पोषक तत्वों से भरपूर फल भी है, तो इसकी तारीफ क्यों ना हो। लेकिन अगर हम आमदनी के नज़रिए से देखें तो अमरूद की बागवानी बेहद फायदे का सौदा है, क्योंकि इसमें कम लागत में आप बहुत ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अमरूद की सघन बागवानी आप कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार सोनी। जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारी सॉयल है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को खेती करनी चाहिए। दूसरी एक चीज़ है, डॉक्टर आजकल एक चीज़ बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप ठीक है दाल रोटी खाते हैं लेकिन फल को भी खाना चाहिए। आजकल हमारी नीड हो गई है, शायद विश्व में भी इसकी बड़ी आजकल डिमांड चल रही है कि आदमी को फ्रूट खाना चाहिए। तो इसी को मैं ध्यान में रख के और जो आपका यहाँ का क्लाइमेट देखा उसमें मैंने पाया कि आम अमरूद बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। दूसरी एक चीज़ महंगाई बहुत है, लेबर कास्ट मिलता नहीं है, तो उसमें हमने पाया है कि अमरूद आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि अमरूद एक हार्डी क्राप है। दूसरी एक चीज़ है कि इसमें आप डेंसिटी को भी कम कर सकते हैं। नॉर्मल डेंसिटी 6x6 पे हम एक हेक्टेयर में 277 पौधे लगाते हैं, जबकि हाई डेंसिटी में आएंगे 3x6 उसमें 555 पौधे लग जाएगा। डेंसिटी थोड़ी और बढ़ा देंगे उसमें हमारा 3x3 होता है जिसमें 1111 पौधे आ जाएंगे। थोड़ी सी डेंसिटी और बढ़ाएंगे तो 3x1.5 जिसमें हमें 2222 पौधे आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया कि किसानों के पास ज़मीन तो कम होती जा रही, किसी पास थोड़ा ज़मीन है, एक हेक्टेयर है, तो 2x1 लगाए जिसको मीडो आर्चर्ड या अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी बोलते हैं, जिसमें एक हेक्टेयर में 5000 पौधे आते हैं। गुआवा की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि हमेशा नए कल्ले पे ही उसमें फल आता है, जिसमें प्रूनिंग का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। जिस किसान भाइयों के पास खेत कम है वो अपना मीडो आर्चर्ड लगा के, और दूसरी एक चीज़ बेसिक प्रॉपर्टी जो हमारा है कि न्यू नए कल्ले पे ही उसमें फ्लावर बर्ड आता है, तो साल में 2 बार हो, एक मई में दूसरा एक अक्टूबर में, अगर उसके 50% सूट की प्रूनिंग कर दी जाए तो हमें अच्छे अमरूद और अच्छी फलत प्राप्त होगी। दूसरी एक चीज़ और कि हर चीज़ की एक ज़रूरत होती है, पानी की, खाद की, अगर हम उसको एक्सेस में भी दे देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारे फ्रूट पे, हमारे यील्ड पे असर पड़ेगा। इसलिए किसान भाइयों हम लोग को इसके इस चीज़ को ध्यान में रख के, जैसे हमारी एक ज़रूरत होती है, प्यास लगती है, हम 2 गिलास या 3 गिलास, बहुत प्यास लगी 4 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी सकते। अगर एक बाल्टी हमको पानी दे दिया जाए तो शायद हमारे शरीर में दिक्कत हो जाएगी। यही सेम पौधों के साथ भी होता है, लेकिन हम लोग कभी इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए मेरी एक राय है कि आप लोग ड्रिप इरीगेशन लगाएं, प्लास्टिक मल्चिंग करें। प्लास्टिक मल्चिंग करने और ड्रिप लगाने से फ़ायदा ये है कि एक तो पानी की बचत होगी, दूसरे जितनी उसकी ज़रूरत है हम उतनी पानी देंगे। फर्टिलाइज़र हम ड्रिप के थ्रू दे सकते हैं, पानी को और हम मल्चिंग के थ्रू बचा सकते हैं। मल्चिंग करने से एक चीज़ देखेंगे कि सॉइल जो हमारी कॉम्पैक्ट हो जाती है वो आपसे बचा रहेगा, पोरस रहेगा, और हमारे जो पौधा है उसका ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें फ्रूट जो आएंगे अच्छी होंगे। और दूसरी एक चीज़ ये कि कैनोपी मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है, तो साल में 2 बार इसमें प्रूनिंग करनी चाहिए और आपको अच्छा यील्ड प्राप्त होगा। जिस किसान भाई के पास थोड़ी भी ज़मीन है वो भी इस टेक्नोलॉजी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और अमरूद यहाँ के लिए बहुत अच्छी क्राप रहेगी। आम में यह है कि आम में कभी होता है कि एक बार आया एक साल नहीं आया, अमरूद में आपको 2 सीजन मिलता है, एक न एक सीजन में आदमी को जो भी पैसा है काफ़ी मिल जाएगा, जिससे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ये बदलाव क्या है, बदलाव से हुआ क्या है भैया, ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की।
पैदावार। खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल, पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर, एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहीवाल गाय कितना दूध दे देती है। देखिए हेलो किसान सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमें पूरी उम्मीद है कि आज हमने जो आपको जानकारियां दी हैं उसे आप ज़रूर अमल में भी लाएंगे और जैविक खाद तैयार करने की जो विधि हमने आपको बताई उसे आप अमल में लाकर जैविक खाद तैयार करेंगे और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में महती भूमिका भी निभाएंगे और इसके अलावा फ़ायदे का सौदा जो है अमरूद की बागवानी उसमें भी हाथ ज़रूर आजमाएंगे। तो आज के अंक में इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे खेती किसानी से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।